माय चैनल, मैं हूँ आंचल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी साड़ी को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। एक अगर आपको सर पर पल्लू लेना है तो आप अपनी साड़ी को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। बहुत सारी ये रिक्वेस्ट आती है चैनल पर कि मैं पल्लू के साथ कोई साड़ी ड्रेपिंग लेकर आऊँ। सो आज मैं स्टाइल करने वाली हूँ बनारसी साड़ी। सो दिस इज़ द साड़ी, बनारसी साड़ी है ये, एंड दिस इज़ इन जॉर्जेट मटेरियल, एंड ये रेड कलर में है, रेड एंड ग्रीन कलर का इसमें बॉर्डर है। नाउ ये साड़ी मैंने एक फेसबुक पेज से ली है, इनका फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी इनका स्टोर है और व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है। तो मैं तीनों डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे वार्डरोब में जितनी भी साड़ी है ना, मैक्सिमम जो आपने मेरे चैनल पर देखी है, जो मैं मोस्टली वीडियोज़ में स्टाइल करती हूँ, वो सारी साड़ियाँ ना इसी पेज से हैं। एक्चुअली वो मेरी एक फ्रेंड है और एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है भी। सो हम लोग साथ में पोस्टेड थे, हमारे साथ में ही एक ही जगह पर घर थे, तो मैं काफ़ी सारी साड़ीज़ उनसे लेती रहती थी क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में उनके पास साड़ीज़ अवेलेबल हैं एंड प्रीमियम क्वालिटी साड़ीज़ आपको मिलेंगी। ये साड़ीज़ ना आपको, इनकी कॉपीज़ आपको अमेज़ॉन, मीशो इन सब पर मिलेगी, बट जो रियल साड़ीज़ हैं, प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी, जो प्योर सिल्क्स, प्योर जॉर्जेट्स, बनारसीज, सब हर तरह की वैरायटी आपको उनके पेज में मिल जाएगी। एंड ऑथेंटिक पेज है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन है, आप बिल्कुल वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सो मुझे तो उनकी साड़ीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में साड़ीज़ वगैरह ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, तो आप ज़रूर चेकआउट करना, उनके पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो कर सकते हैं, एंड वहाँ पर आप उनका कलेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। एंड बनारसी जॉर्जेट मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होता ये फैब्रिक, जॉर्जेट मटेरियल है, थोड़ा सा फ्लोई होता है, तो हर एक बॉडी टाइप को ये सूट करता है। अगर आप स्लिम हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप थोड़े से हैवियर साइड पे हैं तो भी ये बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। सो सिल्क थोड़ा सा बल्की लुक दे सकता है आपको, लेकिन इस तरह के जॉर्जेट बनारसी साड़ीज जो होती हैं वो आपको एक परफेक्ट लुक देगी। सो ये वाली साड़ी मैं आज स्टाइल करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैंने हील्स पहन ली है अपनी साड़ी को ड्रेप करने के लिए, एंड आज मैं रेड कलर का ब्लाउज इसके साथ पेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज अभी रेडी नहीं है, इसके साथ वैसे ग्रीन कलर का ब्लाउज आया है। सो प्लेटेड स्टाइल में मैं इसको ड्रेप करूँगी, बहुत इजीली ड्रेप हो जाती है। इस तरह का जो मटेरियल होता है, जॉर्जेट मटेरियल इन बनारसी, बहुत इजीली आप उसमें प्लीट्स बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा पॉलिश्ड लुक आता है प्लेटेड स्टाइल साड़ी में, तो मैं आज प्लीट्स बना रही हूँ। सबसे पहले प्लीट्स बनाऊँगी एंड देन मैं आगे अपनी फ्रंट प्लीट्स बनाऊँगी इस तरह से। सो थोड़े से फिटेड लुक के लिए मैं इस तरह से यहाँ पर पिन लगाऊँगी, हल्की सी प्लीट्स को ऐड करूँगी एंड देन फ्रंट में एक पिन लगा लूँगी। बहुत अच्छा लुक आता है, एकदम पॉलिश्ड लुक मिलता है साड़ी को, तो इस स्टेप को आप ज़रूर कंसिडर करना, अपनी साड़ीज के साथ ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली जब आप वेडिंग्स वगैरह के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक होती हैं, तो बहुत अच्छा आता है साड़ी का लुक। देन मैं अपनी प्लीट्स बनाऊंगी इस तरह से, मैं हमेशा इसी तरह से अपनी साड़ी की प्लीट्स बनाती हूँ, अपनी उंगलियों में से लपेटते हुए। साड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहती है, बार बार उंगलियों से फिसलती नहीं है साड़ी, एंड बहुत आसानी से प्लीट्स बन जाती हैं एकदम इक्वल साइज में। देन मैं हल्का सा इसको झटक लूंगी एंड उसके बाद अपनी प्लीट्स को ऐसे एडजस्ट करते हुए टक कर लूंगी। नाउ साड़ी ड्रेप हो गई है। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं पल्लू कैसे लूंगी, तो पल्लू लेने के लिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से दूसरा दुपट्टा यूज़ करूँगी नेट फैब्रिक में, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी लगती है मुझे सर पे, तो मैं इस तरह से ही हमेशा अपने पल्लू को लेना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बन बना लूँगी, सिंपल एक बन बना लूँगी, अपने बालों को ग्रैप करके इस तरह से मैं बन बनाऊँगी। अभी मेरा बन काफ़ी छोटा बनेगा क्योंकि मैं अपने बालों को कट करा चुकी हूँ, बट बन जाएगा आराम से। सो इस तरह से मैंने बन बनाया है, पिंस मैं इसमें लगा लूँगी एंड देन मैं इसमें ऊपर से एक गजरा ऐड करूँगी। जब भी आप गजरा लगाते हैं ना, हेयर बन बना के गजरा लगाते हैं एंड देन उसके ऊपर नेट फैब्रिक में कोई दुपट्टा लेते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये गजरा लगाऊँगी इस तरह से। इसमें मैंने यू पिन डाला है, जो जूड़े वाला पिन आता है उसको मैंने इसमें लगाया है एंड देन बस इसको सिंपली लपेट लूँगी अपने बन के ऊपर। एंड जो दूसरा एंड है इस गजरे का, उसमें भी मैं अगेन एक यू पिन लगाऊंगी इस तरह से एंड इसको भी लपेटते हुए अपने बन में लगा लूंगी। नाउ इसके बाद मैं ये एक हेड
चेन स्टाइल करने वाली हूँ। बहुत सुंदर लगी मुझे, आजकल मैं बहुत ज्यादा स्टाइल कर रही हूँ अपनी साड़ी के साथ। ओपन हेयर स्टाइल में भी मैंने इसको स्टाइल किया था एंड दिस टाइम मैं अपने इस बन के साथ आज स्टाइल कर रही हूँ। तो कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों तरफ पिंस लगाने हैं एंड इसको अपने बालों में लगा लेना है। एक्स्ट्रा पिन लगा लीजिए थोड़ा सा और इसको यू नो ताकि ये हिले ना। देन मैं ऐड करूंगी ये ऊपर से एक नेट दुपट्टा। नेट दुपट्टे में मैं जो सेंटर वाला पार्ट है ना उसमें इस तरह से पिंस लगा लूंगी मैं अंदर की तरफ एंड देन अपने सर पर इसको रखते हुए इन पिंस के अंदर से मैं यू पिंस लगाऊंगी। जो जूड़े वाले पिन होते हैं सेम वही पिंस इस सेफ्टी पिन के अंदर से मैं लेते हुए अपने बन में लगा लूंगी। तो इस तरह से हमें अपने हेयर पिंस को लगाना है। ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहते हैं, पल्लू में छुप जाते हैं एंड किसी को पता नहीं चलता कि हमने कैसे अपने यू नो बन में किस तरह से हमने अपना पल्लू लिया हुआ है। एंड आपका जो दुपट्टा है वो भी ख़राब नहीं होता, उसमें लाइक पिंस वगैरह लगने से ना वो ख़राब हो जाता है। सो इसलिए मुझे ये वाला तरीका बेस्ट लगता है। इस तरह से मैं हमेशा स्टाइल करती हूँ। हैवी बन बना लो, गजरा लगा लो एंड अच्छे से उसमें पिंस लगाकर यू पिंस लगा लो। मैंने 4-5 पिंस यहाँ पर लगाए हैं एंड सेंटर में लगाना है आपको एंड थोड़ा 1-2 साइड में भी लगा सकते हैं आप। तो आपका जो पल्लू है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। एंड सिंपली आप सेम तरीके से ना अगर आपको घूंघट लेना है लाइक पूरा आगे तक अगर अपना फेस भी कवर करना है तो आप थोड़ा पीछे पिन लगाइए एंड देन सेम तरीके से आप यू पिंस लगा लीजिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, एज अ न्यूली वेड आप इसको इस तरह से अपना पल्लू ले सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर आज पूरा घूंघट निकाल कर बैठ गई हूँ, बट वैसे मैं अपनी ससुराल में पल्लू वगैरह नहीं लेती हूँ, सर पर पल्लू भी नहीं रखती हूँ। जब मैं अपनी दादी सास के पास जाती हूँ बस तभी रखती हूँ। सो मैं सिर्फ सर पर पल्लू रखने वाली हूँ आज। ज्वेलरी मैंने पहन ली है अपनी एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो आज तो मैंने प्लीटेड स्टाइल में साड़ी पहनी है इसके साथ, बट अगर आप चाहें तो ओपन पल्लू स्टाइल में भी पहन सकते हैं। सो मैं हमेशा इस तरह से अपनी साड़ी के साथ ना अपने दुपट्टे को कैरी करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत हल्का फुल्का सा लगता है एंड साड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आता है। एंड इस तरह का जो हेयर स्टाइल है मैं ज़्यादातर तभी करती हूँ जब मुझे सर पर पल्लू लेना होता है। एंड कोई भी साड़ी के साथ आप मैचिंग का दुपट्टा ले सकते हैं नेट फैब्रिक में हल्का फुल्का सा एंड इसको स्टाइल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। सो डू लेट मी नो कैसा लगा आपको ये लुक। यहाँ पर मैंने मेकअप को ना बहुत सिंपल रखा है, अपनी आईज़ को बिल्कुल मैंने नेचुरल रखा है, सिर्फ गोल्डन शेड लगाया है हल्का सा एंड लिप्स को मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है, रेड लिप्स मैंने रखे हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लिप्स को मैं थोड़ा सा बोल्ड रखती हूँ एंड आईज़ को बहुत नेचुरल रखती हूँ, क्योंकि आईज़ ना मुझे थोड़ा सा ना डार्कनेस की प्रॉब्लम है आईज़ के अराउंड। तो मेकअप करने से पहले मैं काफ़ी अच्छे से अपनी आई के अराउंड अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, क्रीम लगाती हूँ एंड जब मैं मेकअप नहीं भी लगाती हूँ तब भी मैं अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर करती हूँ। एंड दीज डेज आई एम यूजिंग दिस बाय बाय डार्क सर्कल्स आई क्रीम विद क्यूकम्बर एंड पेप्टाइड्स। तो इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट्स हैं विच इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेलानिन प्रोडक्शन एंड आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखने में काफ़ी हेल्प करता है, रिजुविनेट करता है, यंग एंड रिंकल फ्री बनाए रखता है। सो दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एकदम सेफ है ये आपकी स्किन के लिए, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह इससे नहीं होंगे, टॉक्सिन फ्री है एंड सब नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से ये बनी हुई है एंड अपना इंडियन देसी ब्रांड है ममा अर्थ, एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। सो मुझे इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी सही लगते हैं एंड दिस टाइम मैंने ये क्रीम ट्राई की एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद। आप भी इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, सभी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको mamaearth.in पर जाकर ले सकते हैं। वहां पर आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ, आंचल 2022 इज माय कोड, तो आप इसको जरूर अप्लाई करना फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन mamaearth.in। बाकी दूसरी वेबसाइट्स पर भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, Amazon, Flipkart, नायका, पर्पल पे आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो इनकी ऐप भी है जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थम्स अप भी ज़रूर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।